भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता का एक ऐतिहासिक प्रतीक दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर की, जो गाजियाबाद में स्थित है। हमने यहाँ के पुजारी जी से जाना कि कैसे ये मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों और चमत्कारिक मान्यताओं को लेकर दूर दूर तक जग जाहिर है। जो गुरु बताते हैं यहाँ बैठ के, छोटो नियम बताते हैं, जब तक तुम नियम का पालन नहीं करोगे तब तक जो है आराम नहीं होगा। ये जैसे बाबा रामदेव दवा बांट रहे हैं ना, गैस में काम आता है, वैसे ही जो गुरु आपको बात बताते हैं अगर वैसे ही आप सब नियम का पालन करेंगे तो जैसे बाबा रामदेव की दवा खाने से गैस ठीक हो जाती है, वैसे ही आपके जीवन में जो आप सबके संकट पड़ता है वो संकट को दूर हो जाता है। हाँ, ऐसे ही है, रामदेव की दवा के बराबर है। लेकिन जो बात बताएं, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। अब कहो कि बाबा हमें फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम सवा महीना में जाके पता चलता है आपको, कम से कम सवा महीना लग जाते हैं। हाँ, और जैसे बाबा देखा कब भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी रहती है हमेशा। हाँ, रहती है, सब आते हैं। जैसे कि हम लोग जब अभी आए थे सुबह, हाँ, तो भक्त मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अब भीड़, अब जो शिवरात्रि में 8 तारीख कोर्ट देखना, रात में 12 बजे से दूसरे दिन 12 बजे रात तक जल चढ़ेगा और लाइन जाएगी एम जी अस्पताल के आगे। आप आना शिवरात्रि वाले दिन, आना देखना, मतलब भीड़ होती है। श्रद्धा है सबके भाई, विश्वास है, विश्वास ही तो बाबा भोलेनाथ है और क्या है। हाँ भाई, और जब तक विश्वास नहीं, कुछ नहीं, विश्वास पे ही सारा मामला अटका पड़ा है। वो तो है। हाँ, और जब आप विश्वास करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, और मिला भी हुआ है छोटुआ, लेकिन मनुष्य को दृष्टि से दिखाई नहीं देता। ये तो है, सब कुछ मिला है। आप खाना भी खा रहे हैं, कपड़ा भी पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन अशांत है। सिर्फ शांति और अशांति की कथा चलती है छोटुआ, और कुछ चलता ही नहीं है। बस कि तो तुम्हारा मन शांत रहेगा कि तो अशांत रहेगा, बस दो ही कथा चलती है, बस और तीसरा नहीं है, बस। धन्यवाद बाबा। साथ ही उन्होंने हमें इस मंदिर के इतिहास से भी रूबरू करवाया और बताया कि कैसे इस मंदिर में भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ हमने दूर दूर से आए भक्तों से भी बात की और जाना कि कैसे उनको यहाँ आकर मानसिक शांति और अलौकिक शक्तियों की अनुभूति होती है और कैसे यहाँ की मान्यताओं और चमत्कारों से जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ की एक विशेषता है बहुत बड़ी कि ये बताया जाता है कि जो बिशरक गांव पड़ता है यहाँ से नोएडा साइड, वहाँ से ही एक अंदर ही अंदर एक गुफा बनी हुई थी, उसी में से आके रावण यहाँ आकर पूजा करते थे। ये स्वयंभू है, यहाँ से स्वयं शिवलिंग हुआ था। और यहाँ पे बहुत ही है कि अगर सच्चे मन से किसी चीज़ को मांगा जाए भोलेनाथ से हाथ जोड़ के, तो पूरी होती है ज़रूर। और मैं आता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है मुझे यहाँ के, मतलब हर मांगी हुई मुराद पूरी होती है। देखिए, भोलेनाथ है वो, तो अगर सच्चे मन से आप उन्हें ध्याओगे, प्रार्थना करोगे उनसे, तो भोले हैं वो तो सब कुछ दे देंगे। तो स्वयं में एक भोले बाबा है, इसीलिए तो उनका ये मतलब नहीं है कि इंसान गंदा हो कैसा हो, उनको उनका मन अगर आदमी का पवित्र है तो वो उससे भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, भोलेनाथ बहुत बड़े। और भैया, इस मंदिर में आकर कभी भी आप आओ, मतलब एक न्यूज़ के तरीके से हटके कभी भी आप बैठ के 2 मिनट आराम से ध्यान लगा कर देखो ना, तो आप में ऐसा लगेगा जब कुछ निकल के चल रहा हो नेगेटिविटी। ऐसे मेरे साथ हुआ है, खूब मैं बहुत बैठता हूँ यहाँ के सुबह शाम, जब भी मुझे टाइम मिलता है, एनीवे कभी भी मैं जो से छुट्टी होती है जो कुछ भी, मतलब ऐसा भी होता है कि मैं प्रॉपर शाम के टाइम आके 1-1 घंटा यहाँ बैठ के प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ का एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है, सभी देवी देवता हैं, बाकी बहुत अच्छा। यहाँ पे आरती होती है शाम के टाइम, बहुत अच्छी आरती होती है, सब आते हैं, बहुत अच्छा जल का छींटा लगता है, बहुत ही, मतलब ये बताऊँ कि ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। मतलब मंदिर तो सब अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता मंदिर कोई से अच्छा नहीं है, पर ये वाला मुझे बहुत बेटर लगता है क्योंकि यहाँ बहुत पॉजिटिविटी, बहुत शांति, सुकून है। सुकून है, बहुत अच्छा सुकून है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ यार, जब रावण ने भी पूजा करी थी तो भोले के सबसे बड़े भक्त थे, उन्होंने पूजा करी, स्वयं यहाँ से निकले हुए हैं, तो ये भी मान्यता है इनकी। फिर दूसरा एक मान्यता और है कि यहाँ पे गाय, कोई चरवाहा था, वो गाय चराता हुआ आता था, वो गाय दूध नहीं देती थी, ऑटोमेटिक यहाँ आके इन पे दूधेश्वर नाथ मंदिर इसीलिए गया कि वो ऑटोमेटिक ही अपना यहाँ पे दूध देना स्टार्ट कर देती थी, या खड़ी हो जाती थी शिवलिंग पे ऐसे, और वो दूध देना स्टार्ट कर देती थी, घर नहीं जा कर देती थी, यहाँ दूध देती थी ऑटोमेटिक। बहुत मान्यता है यहाँ की, बहुत बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं यहाँ पे, सब लोग मानते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े आदमी सब आते हैं यहाँ, बहुत भीड़ होती है। और यहाँ आप देखोगे जब सावन का महीना चलता है तो भैया यहाँ
मतलब वो नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाती भोलेनाथ को कैसे देखा जा मनाया जा जल्दी जल्दी में। इतनी भीड़ रहती है, कई हज़ार करोड़ मतलब मेरे हिसाब से कई लाख आदमी पर डे दर्शन करके जाते हैं भोलेनाथ के। बहुत बड़ी लंबी और बहुत अच्छा मंदिर है भाई, आओ भैया। मैं भोलेनाथ भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहले रावण पूजा करते थे, तो यहाँ भगवान प्रकट हुए थे। तो ये शिवलिंग भी बहुत पुराना है, प्राचीन काल का है और अपने आप निकला है, तो इस मान्यता से यहाँ पूजा करने आते हैं। मतलब जो मांगी हुई मुराद हमेशा पूरी हो जाती है? पूरी होती है, मतलब कुछ भी मांगी हमेशा जो कुछ मांगते हैं मन्नत वो हमेशा पूरी होती है। मैम भोले बाबा तो बिना मांगे ही देते हैं, वो तो भोले हैं ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब कुछ भी मांगे हमेशा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी आस से उसी उम्मीद से आए। भक्तों, यदि आपके आसपास भी ऐसा ही कोई प्राचीन मंदिर है तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी राय पर ध्यान देते हुए वहां जाकर उसके इतिहास से लोगों को ज़रूर रूबरू करवाएंगे।